हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। इसको हम बोलते हैं मोदी मेथड। मोदी की फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, या उसको बोलते हैं हम यूवी मेथड। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेपिंग स्टोन मेथड, इस वीडियो में हम करेंगे मोदी मेथड। सो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो लास्ट वीडियो में स्टेपिंग स्टोन में भी हमने किया था और ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला था। अब हमारे पास क्या है आज? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वह मेथड सेम हमने करना है एंड ऑप्टिमैलिटी चेक करना है यूजिंग मोदी मेथड। लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिमैलिटी चेक की थी यूजिंग स्टेपिंग स्टोन। सो सेम प्रोसीजर है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, तो सेम टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई चेक कीजिए एंड वह मेथड के थ्रू इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। सो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ गया था ये, जिसकी हमारी कॉस्ट क्या थी 779। तो मोदी मेथड हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें दो कंडीशंस चेक करनी है क्या वो सेटिस्फाई करती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी, m प्लस एन माइनस वन क्या नंबर ऑफ एलोकेशंस की इक्वल है, m क्या होता है नंबर ऑफ रोज एंड n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रोज कितनी है 3 प्लस 4 क्योंकि कॉलम्स क्या है 4 माइनस 1, क्या वो नंबर ऑफ एलोकेशंस की इक्वल है। एलोकेशंस क्या होती है ये जो ऑक्यूपाइड सेल्स है, ठीक है। तो 7 माइनस 1 6 होता है, 6 इक्वल टू 6 है नंबर ऑफ एलोकेशन, तो हमारी ये कंडीशन क्या है सेटिस्फाई करेगी। तो ये हमारा क्या है नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है, तो हमें क्या है नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। देन सेकंड कंडीशन हमारी पास क्या होती है, एलोकेशंस इंडिपेंडेंट पोजीशन पे होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई भी लूप नहीं बननी चाहिए उनमें। तो लूप कैसे बनती है, लूप का क्या मतलब है, हमें ऑक्यूपाइड सेल मैट्रिक्स में कहीं पे भी है, सपोज हम इस ऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट होते हैं वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल मूव करें और यहीं पे वापस आ जाए, वो क्या होगी लूप बन जाएगी। तो इसमें हमारे पास कोई लूप नहीं है बन रही, यहां से हमने ऑक्यूपाइड सेल पे यहां स्टार्ट किया देन नीचे आ गया मैं, देन इसके बाद यहां पे भी मुड़ सकता हूं नीचे भी आ सकता हूं। सपोज मैं यहां पे मुड़ गया, इसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि आगे कोई ऑक्यूपाइड सेल नहीं है ना नीचे है। सो कोई लूप यहां पे नहीं बन के आ रही मेरे पास। सो लूप के लिए हमें ऑक्यूपाइड सेल से ऑक्यूपाइड सेल पे ही मूव करना है, लूप कहीं पे भी हो सकती है, स्टार्टिंग से जरूरी नहीं यहीं से स्टार्ट हो, सपोज यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। तो यहां से मैं ऑक्यूपाइड सेल यहां तक आ सकता हूं, देन ऑक्यूपाइड सेल ये भी है ये भी है, सपोज मैं यहां पे आ गया, देन इसके आगे मैं यहां पे जा सकता हूं, लेकिन रिटर्न पोजीशन यहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैं नहीं आ सकता क्योंकि ऑक्यूपाइड सेल नहीं है कोई भी इसके आगे, तो ये लूप नहीं बना रही है, ठीक है। ऐसी ही कहीं पे भी लूप हो सकती है और लूप जरूरी नहीं स्केयर में ही बने, लूप टेढ़ी मेढ़ी भी बन के आ सकती है, हमने कल देखा था स्टेपिंग स्टोन में। तो जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई हम क्या करेंगे, मोदी मेथड अप्लाई कर देंगे। तो मोदी मेथड अब देखते हैं। सो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से जो टेबल आया जो हमें टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या दे रहा है 779 हमें निकालना था अभी, तो उससे हमें क्या करना है मोदी मेथड अप्लाई करना है जब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो मोदी मेथड या यूवी मेथड क्या कहता है, हमें यू एंड वी की वैल्यूज निकालनी है हर एक रो एंड हर एक कॉलम की। वो कैसे निकलेंगी, तो हम इस रो के कोरस्पॉन्डिंग यू वन मान लेंगे, देन यू टू, थर्ड रो के कोरस्पॉन्डिंग U3 आ जाएगा, कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या मानना है V1, V की वैल्यूज, ठीक है। सो इन वैल्यूज को कैसे निकालना है, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, ui+vj इज इक्वल टू cj। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो हमारी U की वैल्यूज हैं प्लस करेंगे वी की वैल्यू हमारे किसके इक्वल होगी, कॉस्ट, जो हमारी ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है हर एक सेल की, है ना। तो इसको निकालते हुए हमें सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल पे ध्यान देना है, ये चीज है, इस पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्यूपाइड सेल कौन कौन से हैं, ये वाले जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पे हमें एलोकेट हुए हैं इनको क्या बोलते हैं ऑक्यूपाइड सेल, इनकी यू और वी की वैल्यूज निकालनी है सच दैट यू आई प्लस वीजे क्या होगा सीजे। तो यू इस सेल के कोरस्पॉन्डिंग ये ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड सेल पे ही हमें फोकस करना है, तो ये ऑक्यूपाइड है, ठीक है। इसकी यू की वैल्यू क्या होगी ये वाली, वी की वैल्यू क्या होगी ये वाली, ठीक है। वैसी ऑक्यूपाइड सेल ये है,
इसकी यू की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, वी की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, क्लियर। ऑक्यूपाइड सेल ये है, इसकी यू की वैल्यू ये होगी, वी की वैल्यू। तो इस तरह से हमने निकालनी है। यू वन को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे जीरो, ठीक है। यू वन की वैल्यू हमें हमेशा हमारे पास क्या होगी, जीरो। सो U प्लस वी हमारे पास क्या होती है, C कॉस्ट के इक्वल। सो जीरो प्लस समथिंग इक्वल्स टू 19। तो कैसे करें हम, V की वैल्यू कैसे आएगी, जीरो प्लस 19 इक्वल टू 19 करें तभी आएगी इसकी। तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 19, ठीक है। ये चीज क्लियर है। वैसे ही हमारे पास क्या है, ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसकी वैल्यू देखिए, U1 प्लस V इज इक्वल टू C। तो जीरो प्लस समथिंग में क्या करूं, इक्वल्स टू 10 है, जीरो प्लस 10 तो 10 आ जाएगा, यानी वी फोर की वैल्यू क्या गई, 10। ये चीज क्लियर है। देन नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल क्या है, ये वाला, इसकी यू की वैल्यू देखिए एंड वी की वैल्यू देखिए, यू प्लस वी इक्वल्स टू 40। ना यू की पता है ना वी की पता है, इसको छोड़ दीजिए। अब इस पे आइए ऑक्यूपाइड सेल पे, यू प्लस वी, यानी कि अभी इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, यू प्लस 10 इक्वल्स टू 60। सो U2 क्या आ जाएगा, 60 माइनस 10। ये चीज आ रही है ना आपको, देखिए हमें U प्लस V क्या होता है, C के इक्वल। सो हमारे पास क्या आ गया, U2 प्लस V हमारे पास क्या है, 10 इक्वल्स टू कोस्ट C। तो हमारे पास U2 क्या आ जाएगा, 60 माइनस 10। सो हमारे पास U2 क्या आ गया, 50। इस तरह से हमने फाइंड आउट करनी है U एंड V की वैल्यूज। देन क्या इसकी फाइंड आउट हो सकती है, U प्लस वी इक्वल्स टू 8। ना U की पता है ना V की, छोड़ दीजिए अभी। इसकी फाइंड आउट हो सकती है, U प्लस 10 इक्वल्स टू 20। ये चीज आ गई हमें, U प्लस 10 इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन। सो U3 की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10, तो ये आ गई। तो जहां जहां पे निकल सकते हैं हम वहां वहां पे निकालेंगे। देन V2 और V3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V2 की वैल्यू निकालनी है तो ऑक्यूपाइड सेल सिर्फ यही बचा है, U प्लस वी, 10 प्लस वी इक्वल्स टू 8। तो क्या आ जाएगी, 10 प्लस वी इक्वल्स टू 8। सो वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी थ्री की वैल्यू बची, वी थ्री के लिए निकालने के लिए ऑक्यूपाइड सेल सिर्फ यही है। सो इसकी देखिए, 50 प्लस वी थ्री इक्वल्स टू 40। तो क्या आ जाएगी, माइनस 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने U एंड V की वैल्यूज निकाली। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें निकालनी है C ij माइनस ui प्लस vj हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, ठीक है। अनऑक्यूपाइड सेल क्या है, जहां पे एलोकेशन ही हुई है वाले। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, सी आई जे माइनस ui प्लस vj। इसका क्या मतलब है, अभी देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अनऑक्यूपाइड के लिए मैं इस तरह से लाइन मार रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना होए। तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, जहां पे भी रेड लाइन से है, ये क्या है, अनऑक्यूपाइड सेल्स है। इसके लिए हमें क्या निकालना है, cij माइनस ui प्लस vj। तो कोई भी अनऑक्यूपाइड सेल है उसको ले लीजिए। ये है हमारे पास सी आई जे, क्या होता है उसकी कॉस्ट। सो क्या आ जाएगा, 30 माइनस इस अनऑक्यूपाइड के सेल के कॉरस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू क्या है, जीरो, यू प्लस वीजे, और वी की वैल्यू क्या है, माइनस 2। सो क्या आ जाएगा, 30 माइनस माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, प्लस 32, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे इस अनऑक्यूपाइड की। वैसे ही इस अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू निकालिए। कैसे पता चला, क्योंकि हमने रेड लाइन से पहले बोल दिया ये अनऑक्यूपाइड सेल है। तो इसकी कैसे निकलेगी, सी आई जे माइनस यू प्लस वी। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 50 माइनस यू क्या है, जीरो, यू जीरो प्लस वी क्या है इसके, तो ये माइनस 10। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 60 आ जाएगी, क्लियर। इसी तरह से इस अनऑक्यूपाइड सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे बोल रहे हैं हम, 70 माइनस
इसके कॉरस्पॉन्डिंग यू की वैल्यू एंड वी की वैल्यू देखिए 50 है, 50 प्लस वी की क्या है 19, सो 70 माइनस 69 ये क्या जाएगी 1। सिमिलरली इस अनऑक्युपाइड की देखिए यू क्या है 50, वी क्या है माइनस 2, सो क्या आ जाएगी, हम क्या बोल रहे हैं सीआईजे क्या है 30, इस सेल के लिए 30 है ना कॉस्ट, 30 माइनस 50 प्लस माइनस 2 प्लस ये माइनस ही हो जाएगा, सो 30 माइनस 48 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 18। नेक्स्ट अनऑक्युपाइड देखिए ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, 40 माइनस यू क्या है 10, वी क्या है 19, 29 बन गया, सो हमारे पास क्या आ गया प्लस 11 में। देन ये अनऑक्युपाइड सेल बचा, इसकी वैल्यू निकालिए 70 माइनस दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 10 प्लस V की वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये कट गया आपस में, ठीक है 70 ही आ गई। तो हमें इस तरह से U एंड V की वैल्यूज निकाल ली एंड अनऑक्युपाइड के लिए सी आई जे माइनस ई निकाल। सो हमें क्या बोलता है मोदी मेथड, जो यूवी मेथड जिसको बोलते हैं, हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब रीच हो जाएगा, जब हमारे पास सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा अनऑक्युपाइड के। तो अनऑक्युपाइड जी है क्या, इनका सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, चेक करेंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर नहीं है, ये लेस आ गया है ना। तो जहां पे ये लेस आ गया हमारा ऑप्टिमल जो है अभी सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ, यानी अभी गुंजाइश है, इसको हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल कब होगा, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के आ जाएगा, अभी हमारे पास नेगेटिव में आ गई, तो अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ है। सो नेगेटिव वाले को हम क्या करेंगे असाइन, इसको क्या करेंगे अब एलोकेशन देंगे, ठीक है, इस तरह से एलोकेशन देंगे। सपोज इसको मैंने मान लिया थीटा, मैं कह रहा हूं इसको थीटा एलोकेशन देंगे, ठीक है, अभी हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू क्या है। सो अब हमारे पास क्या है, एक लूप बनेगी। लूप क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो है नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या होगी, अब 7, क्योंकि पहले हमारे पास थी 1 2 3 4 5 6, अब एक और कर दी तो 7, तो हमारे पास अल्टीमेटली 7 इक्वल ग्रेटर देन 6 है, क्योंकि m प्लस n माइनस 1 हम 6 आया था, हमें पता है अब क्या हो गया एलोकेशन बढ़ गई एक, तो 7, तो लूप हमेशा बनेगी। तो लूप कैसे बनानी है, जो हमारे पास क्या है ऑक्युपाइड सेल, ऑक्युपाइड सेल हमें पता है ब्लू में है, ठीक है, ये रेड वाले तो अनऑक्युपाइड है, तो हमें ब्लू पे ही मूव करना है, और लूप यहाँ पे अगर आ जाए तो लूप बन जाएगी। तो देखिए कहाँ पे है, इसके ऊपर ये वाला है एक, तो नीचे, तो मैं अगर नीचे मूव करूं देन यहां पे मूव करूं देन यहां पे एंड यहां पे मैं आ सकता हूं, तो लूप कैसे बनेगी, ये ऑक्युपाइड सेल है, यहां पे आ गया मैं, ब्लू वाला ऑक्युपाइड है देन, और ये कंप्लीट होगी लूप। तो मैं चाहता हूं अब थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं, तो ये है प्लस थीटा जहां पे हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट माइनस थीटा, प्लस थीटा एंड माइनस, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो प्लस थीटा वाला है उनको भूल जाइए, ये प्लस थीटा है, इनसे हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसको भूल जाइए, जो माइनस थीटा में है ये दो सेल हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसकी 8 है एंड जिसकी 60 है, इनके इन सेल में देखिए जो मिनिमम एलोकेशन है, 8 वाले में मिनिमम क्या है, इसकी एलोकेशन क्या है 8 है, 60 वाले की एलोकेशन क्या है 2, तो मिनिमम क्या है 8 या 2, तो 2 है, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 2, ये चीज क्लियर है। यानी हम क्या करेंगे, अब जहां पे भी प्लस थीटा है उसको हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये अनएलोकेटेड है, इसमें जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, इसमें अभी एलोकेशन नहीं थी क्योंकि ये रेड वाला है, ये चीज क्लियर है ना, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे 2, देन यहां पे क्या है माइनस थीटा, एलोकेशन इस पे क्या है 2, सो 2 माइनस थीटा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0,
तो ये एलोकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास जीरो। देन यहाँ पे क्या है प्लस थीटा, पहले से ही इसके पास टेन एलोकेशन है, प्लस टू हो जाएगा तो ट्वेल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका भी हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। देन यहाँ पे क्या है माइनस थीटा, एट माइनस थीटा यानी यहाँ पे क्या हो जाएगी सिक्स एलोकेशन। तो यहाँ पे हमने अनएलोकेटेड को एलोकेट कर दिया और जो पहले से कोई एलोकेट था वो क्या हो गया जीरो, वो हट जाएगा अब। तो इसका अब हम टेबल देख लेते हैं। सो टेबल हमारे पास क्या जाएगा, ये तो सेम ही रहेंगी एलोकेटेड वाली ब्लू वाली। ठीक है, जो हमारे पास बड़ी है ये वाली या कम हुई है वो चेंज हो जाएंगी बस। तो ये आ जाएगा हमारा टेबल। ठीक है, यहाँ पे पहले टू था, इसको जीरो हो गया, थीटा की वैल्यू निकाली, देन हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे टू। तो ये हमारा क्या है न्यू टेबल। अगर हम कंपेयर करें इसको स्टेपिंग स्टोन से, अगर आप क्या देखोगे जो हम उसमें नेट चेंज निकालते थे ट्रांसपोर्टेशन कोर्स का, वो वही बन रहा है इसमें भी। ये देखिए, ये स्टेपिंग स्टोन मेथड है हमने किया था। तो जो हम सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे निकाल रहे हैं वो वही चीज है। इसमें हम लूप से निकालते थे, इसमें सिंपल हमने क्या है फार्मूला बोल दिया। ये चेक कीजिए ना आप, 3261 माइनस 18, 3261 माइनस 18 1170। ठीक है, तो इसमें सिंपल एक फार्मूला गया, स्टेपिंग स्टोन में क्या था एक लूप बना के हम करते थे नेट चेंज फाइंड आउट। तो उसमें हमारे पास थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता था। तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू हमें पता लग गई, हमें इसको एलोकेट करना है टू। तो हमारे पास क्या गया न्यू टेबल ये आ गया। तो इसकी अब हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंप्रूव हुई या नहीं। तो कैसे होगी, 19 × 5 प्लस 10 × 2 प्लस 13 × 2 प्लस 14 × 7 प्लस 18 × 6 प्लस 20 × 12। तो हमारी क्या आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे, 743। पहले कितनी आई थी इनिशियल बेसिक फिजिबल से, 779। अब हमारी क्या आ गई इंप्रूव हो गई है। तो इस टेबल को हम फिर से यू एंड वी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक हमारी अनऑक्युपाइड की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ठीक है, सो हमारे पास क्या है इंप्रूव सोल्यूशन आ गया इस टेबल से। अब हम क्या करेंगे, फिर से U1, V1, V2, V3 की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करनी है, U प्लस V हमें पता है, इक्वल टू CJ। तो इससे हम क्या करेंगे U1, U2, U3 सो ऑन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो U1 हमारे पास क्या है, हमेशा हमने जीरो ही माना है, ये फिक्स कर दिया। सो U प्लस वी इक्वल टू 19। तो कैसे आएगी, 0 प्लस 19, तभी ये 19 बना। तो V1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 19। याद रहे जब भी हमने U एंड V की वैल्यूज निकालनी है तो ऑक्यूपाइड पे ध्यान देना है। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड देखिए ये वाला है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, U प्लस वी इक्वल टू 10। हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि U 0 है, 0 प्लस समथिंग हमें नहीं पता क्या है इक्वल टू 10। तो वो समथिंग क्या है, 10 ही है, क्योंकि 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 तभी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्यूपाइड क्या है, इससे हम निकाल सकते हैं U की वैल्यू और V की, किसी की भी। तो U भी नहीं पता और इसका V भी नहीं पता, छोड़ दीजिए। इसकी निकाल सकते हैं, नहीं, ना U पता ना V, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट ऑक्यूपाइड देखिए ये, ना U पता है ना V, छोड़ दीजिए। देन इसको देखिए, इसका V पता है, तो U हम निकाल सकते हैं, U प्लस 10 इक्वल टू 20। तो हमारे पास U यानी क्या है, 10, तभी हमारे पास 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 होगा ना। ये देखिए हम क्या कह रहे हैं, U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट। तो U 3 हमें नहीं पता था, V हमें पता था 10, तो U 3 क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो इससे हमारा U 3 निकल गया 10। अब इससे हमारा U 3 निकल गया, देन क्या V 2 निकाल सकते हैं, ये देखिए यहां से ये V2 निकल जाएगा, क्योंकि 10 प्लस V2 इक्वल्स टू 8। तो V2 क्या हमारा आ जाएगा, माइनस 2। कैसे पता लगा, हम क्या बोल रहे हैं, U प्लस V इक्वल्स टू C, C क्या है 8, U की वैल्यू पता है 10 प्लस V इक्वल्स टू 8, V क्या आ जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 2। ठीक है, देन हमारे पास और किसकी निकल सकती है वैल्यू, V3 की इससे निकल सकती है, नहीं,
u2 की निकल सकती है इससे, क्योंकि हमें इसका जो है v पता लग गया है, u इसका पता कर सकते हैं. सो u प्लस समथिंग इक्वल्स टू 30, u प्लस वो समथिंग क्या है माइनस टू इक्वल्स टू 30. सो हमारे पास u2 क्या आ जाएगा, 30 प्लस 2 32. नेक्स्ट हम v3 निकाल सकते हैं. v3 कैसे निकलेगा, इससे निकल जाएगा क्योंकि u प्लस v इक्वल्स टू 40. तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे हमें ये समझ आएगा, आ जाएगा. सो u क्या है 32 प्लस v3 निकालना है इक्वल्स टू 40. सो v3 क्या आ जाएगा 8. तो इस तरह से u1 u2 u3 v1 v2 v3 की वैल्यूज आ गई. देन नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, हर एक अनऑक्युपाइड के लिए cij माइनस, ठीक है, ये हर एक अनऑक्युपाइड के लिए. सो इजी करने के लिए मैं अनऑक्युपाइड को कैसे डिनोट कर रहा हूं, जो रेड से हम बना रहे हैं ये, ठीक है, ये अनऑक्युपाइड है, इस पे कोई एलोकेशन नहीं है, ये इसकी वैल्यूज सभी की निकालिए cij माइनस ui+vj. तो इसकी कैसे निकलेगी, 30 माइनस दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगी इसकी 32. ये चीज क्लियर है कैसे आई, देखिए ना हम क्या बोल रहे हैं cij, cij क्या है 30 माइनस u+v, इसका u क्या है 0, इसका v क्या है माइनस 2. सो 30 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 32. सिमिलरली इसकी 50 माइनस u+v, 50 माइनस u क्या इसका 0, v क्या इसका 8. सो 50 माइनस 8 42. नेक्स्ट अनऑक्युपाइड देखिए ये वाला है, इसकी cij माइनस ui+vj निकालिए, 70 माइनस u क्या इसका 32, v क्या है 19, 32 प्लस 19, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 19. क्लियर. देन इस अनऑक्युपाइड की निकालिए cij प्लस ui+vj, 60 माइनस क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग u 32 प्लस v क्या है 10. सो 60 माइनस 42 18 आ जाएगा. अनऑक्युपाइड नेक्स्ट देखिए ये वाला है, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू cij माइनस दिस प्लस दिस, क्या आ जाएगी 40 माइनस 29 11 आ जाएगा प्लस का. देन इसकी 70 माइनस 10 प्लस 18, 70 माइनस 18 क्या हो जाएगा हमारे पास 52. सो हमारे पास ऑप्टिमैलिटी रीच कर गई है. कैसे पता लगा, cij माइनस ui+vj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए सभी के, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस. तो अभी हमारे पास बेटर सॉल्यूशन निकालने के लिए और कोई स्कोप नहीं ही बचा. अगर कोई नेगेटिव में आती इसको हम एलोकेट करने की कोशिश करते जैसे लास्ट मैट्रिक्स में किया, तो जहां पे भी हमारी इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए हमारी ऑप्टिमैलिटी रीच हो गई. यानी जो टेबल से हमने, इस टेबल से ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली है, ये हमारे पास क्या है ऑप्टिमल, इसको हम फर्दर नहीं कर सकते. सो अगर मैं इसको स्टेपिंग स्टोन से कंपेयर करूं, 32 42 32 42, 19 18 19 18 11 52, तो वही नेट चेंज निकाल रहे हैं. इसमें स्टेपिंग स्टोन में लूप से निकलता था, इसमें सिंपल फार्मूला. सो जब भी हमारे पास ऑप्टिमैलिटी रीच हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा. इसमें भी हमारे पास सभी पॉजिटिव आ गए थे, तो जब भी हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑप्टिमैलिटी रीच हो गई. सो इस हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टेपिंग स्टोन से एंड यूवी मेथड से हमारा सेम ही आता है. सो स्टेपिंग स्टोन में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हर एक में हमें नेट चेंज फाइंड आउट करने के लिए लूप बनानी पड़ती थी, वो लेंथी प्रोसीजर था. लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल फार्मूला है. एंड इससे हम क्या है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इसमें स्टेपिंग स्टोन में काफी जो है बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता था, हर एक अनऑक्युपाइड सेल को पहले नेट चेंजेस का फाइंड आउट करना पड़ता था. तो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.